गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपसे कुछ विचार साझे करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर व्यक्ति अकेला हो और सत्य का अनुगमन करने का संकल्प करे तो वह दुर्बल और विचलित होकर फिर अपने पुराने रास्ते पर चल सकता है। इसलिए तुम लोग साथ साथ खड़े हो जाओ, एक दूसरे की सहायता करो और एक दूसरे के प्रयासों को सशक्त बनाओ। दुखों से निवृत्त होने के लिए पवित्र जीवन बिताओ। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, पर दूसरों को कभी आहत मत करो। तुम्हारा उत्साह विचलित ना हो, तुम्हारे अधरों से कोई भी बुरे वचन ना निकले। तुम सदा परोपकारी बनो। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण तथा द्वेष से रहित हो और तुम इन दुष्कर्मियों को भी अपने प्रेम पूर्ण विचारों से आनंदित कर दो। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा नहीं रोका जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही इसका विरोध होता है और यही सनातन का नियम भी माना गया है। धैर्य के साथ सहनशीलता सबसे ऊंची तपस्या है। वह वैरागी नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है और ना वह तपस्वी है जो दूसरों का उत्पीड़न करता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वह घृणा से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि वह स्वयं को घृणा के पाश में फंसा लेता है। परोपकारी व्यक्ति से तो सभी प्रेम करते हैं, मृत्यु के समय उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण होकर विश्राम करता है, क्योंकि वह प्रायश्चित का दुख कभी नहीं भोगता। इस बात को समझना बहुत कठिन है कि हम अपना भोजन दूसरों को देकर अधिक बल प्राप्त करते हैं। दूसरों को वस्त्र देने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। पवित्रता और सत्य की स्थापना करने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसमें देने की क्षमता होती है, वह स्नेह और करुणा से परिपूर्ण होकर श्रद्धा पूर्वक ही दान करता है और समस्त घृणा, ईर्ष्या और क्रोध का परित्याग कर देता है। प्रेम का जो पाश तुम्हें अपने पुत्र के साथ बांधता है, वही तुम्हें अन्य बंधुओं के साथ भी बांधे तभी बात बनती है। दयालुता के कार्यों के निरंतर संपादन से ही अमरत्व तक पहुंचा जा सकता है। करुणा और परोपकार से पूर्णता की उपलब्धि होती है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्नेह पूर्वक हृदय की है। मनन 5 तरह के होते हैं। पहला मनन प्रेम का मनन है। तुम समस्त प्राणियों को समृद्धि और कल्याण की कामना करो। दूसरा मनन करुणा का मनन है, जिसमें तुम समस्त दुखों और चिंताओं की स्पष्ट कल्पना के साथ तुम्हारी आत्मा में दुखियों के लिए करुणा का संचार हो जाए। तीसरा मनन आनंद का मनन है, जिसमें तुम दूसरों की सुख समृद्धि और आनंद आकांक्षा करते हो। चौथा मनन अपवित्रता का है, जिसमें तुम व्याभिचार के दुष्परिणाम तथा पाप और रोगों के प्रभाव पर विचार करते हो। इसका परिणाम बड़ा मर्मांतक होता है। पांचवा मनन प्रशस्ति का मनन है, जिसमें तुम प्रेम और घृणा, आतंक और उत्पीड़न, धन और दरिद्रता से ऊपर उठ जाते हो और अपने भाग्य पर प्रशस्ति और पूर्ण धैर्य से विचार करते हो। योगियों के अनुसार ध्यान 4 तरह के होते हैं। ध्यान को एकांत भी कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रिय प्रियता से मुक्त कर लेना चाहिए। ध्यान आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन की स्थिरता है। ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद के परे उठ जाता है। विनम्र बनो और मन को जड़ बनाने वाले अनुचित व्यवहार का परित्याग करो। दुर्गुणों को पनपने मत दो। जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें दूर करो। उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अब तक तुम में नहीं है। निष्ठा और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो। पहले जब मैं किसी सभा में जाती थी, तो वहां बैठने से पहले स्वयं को अपने श्रोताओं के रंग में रंग लेती थी
और अपनी वाणी को उनकी वाणी के समान बना लेती थी। उसके बाद मैं धार्मिक प्रवचन से उन्हें उपदेश देती और उनको हर्षित कराती। मेरा सिद्धांत सागर के समान है। मेरा सिद्धांत और सागर दोनों गहरे होते जाते हैं। जिस प्रकार महासागर का केवल एक ही स्वाद, नमक का एक ही स्वाद होता है, उसी प्रकार मेरे सिद्धांत का भी एक ही श्वास है और वह है मुक्ति का श्वास। अगर मेरा सिद्धांत पवित्र है तथा इसमें सभ्य और असभ्य, धनी और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं होता, तो ही मैं सुखी हूँ। आगे सुनिए। जिसका मन भारी सौंदर्य और वैभव की खोज में भटकता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, जो अशुद्ध भोजन खाता है, आलसी है, कायर है, उसे अज्ञान और दुख वैसे ही अभिभूत कर लेते हैं जैसे आंधी सूखे वृक्ष को तहस नहस कर देती है। मन पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है। वह सूक्ष्म, त्वरित और आकांक्षित स्थान पर तुरंत दौड़ने लगता है। ऐसे मन पर नियंत्रण पाना उत्तम है। संयमित मन आनंद देता है। जिसका मन स्थिर नहीं है, वो सधर्म से अवगत भी नहीं हो सकता। जिसकी आस्था चंचल है, ऐसे व्यक्ति को प्रज्ञा कभी भी पूर्ण नहीं होती। अक्सर ही हम स्वयं के द्वारा बुराई करते हैं, स्वयं के द्वारा ही भ्रष्ट होते हैं, स्वयं के द्वारा ही हम बुराइयों से बच सकते हैं, स्वयं के द्वारा ही व्यक्ति पवित्र होता है। स्वयं पर ही पवित्रता और अपवित्रता निर्भर है। कोई दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। बुरे कार्य को अधूरा छोड़ देना ही उत्तम है, क्योंकि एक कुकर्म इस जन्म के बाद व्यक्ति को पीड़ित करता है। सत कार्य को पूरा किया जाना बहुत अच्छा है, जिसको कर लेने के बाद पछतावा नहीं होता। बुराई के बारे में हल्के ढंग से सोचते हुए यह मत कहो कि यह मेरे समीप तक नहीं आएगी। एक घड़ा भी बूंद बूंद से भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा करके खुद को बुराई से भर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रेम के द्वारा क्रोध को जीते, पुण्य के द्वारा पाप को हराए, औदारे से लोभी को पराजित करे और सच्चाई से झूठे को जीते। हमारे शुभ और अशुभ कर्म ही छाया के समान हमारा अनुसरण करते हैं। अगर वृक्ष प्रचंड ज्वाला से जल रहा हो तो उसमें पक्षी कैसे बसेरा करेंगे? जहाँ वासना जीवित है, वहाँ सत्य का निवास कभी नहीं हो सकता। और जो इसके भंवर में फंस जाता है, उसके लिए कोई बचाव नहीं है। किंतु विवेक एक छोटी नौका है और चिंतन उसका पतवार है। धर्म का शत्रु के प्रहर से मुक्त होने के लिए धर्म का सिंहनाद आज भी उसे पुकार रहा है कि हे अज्ञानी, तुम ज्ञानवान बनो, तुम निश्चल बनो, तुम पवित्र बनो। ये काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह तो आनी जानी माया है। तुम्हें इसका अनुसरण नहीं करना। तुम्हें इस युग में भी देवता ही बनना है और फिर तुम्हारी वापसी देवलोक को ही जाएगी। तभी तुम्हारा आवागमन का चक्कर दुनिया में छूटेगा। ओम शांति।